हेमंत सोरेन का चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट टू है। जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व झारखंड में चले राजनीतिक संकट और फिर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। फिर विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया और अब वो सुचारू रूप से अपनी सरकार चलाने में जुट गए हैं। झारखंड सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कई मुख्य घोषणाएं की हैं। उनमें सबसे खास है बिजली बिल। घोषणा के मुताबिक बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड में अब लोगों को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। हेमंत सरकार में लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, जिसे चंपाई सोरेन ने बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया है। सीएम चंपाई सोरेन ने बुधवार को ये फैसला लिया। बता दें, राज्य में लोगों के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से साल 2022 में 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई थी। ये योजना घरेलू कनेक्शन के प्रति माह 100 यूनिट बिजली की खपत तक लागू है। हेमंत सोरेन की जगह कुर्सी संभालते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बुधवार को अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान सीएम चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन को बेहतर कराने के लिए कहा। सीएम चंपाई सोरेन ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा धान खरीद को लेकर किसानों को समय पर भुगतान देने की भी बात कही। अब एक नज़र उन पर जो अहम निर्देश मिले हैं। अबुआ आवास योजना की स्थायी प्रतिसूची बने। इसके साथ ही इस योजना का दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किए जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा धान खरीद को लेकर किसान को समय पर मूल्य भुगतान हो, हरा राशन कार्ड धारियों को हर महीने अनाज देने और पीडीएस डीलरों को कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करे, जनजाति भाषाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी हो, 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की पहल जल्दी शुरू होने चाहिए, 5 साल से पुरानी सभी सड़कों की मरम्मत कराने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया राज्य में 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की जानी है। इसमें 9,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की स्वीकृति मिल चुकी है। बता दें, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। बीते दिनों उन्होंने विधानसभा विश्वास मत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट के दौरान महागठबंधन के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधानसभा में कहा कि गर्व से कहता हूं, मैं हेमंत सोरेन पार्ट टू हूं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। चंपाई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट टू है।